आप सबका इस्तकबाल है नाइट टीवी एक्सप्रेस पर। आइए नाज़रीन आज 8 जून के शहरनामा पर नजर डालते हैं। कोटी के मैटरनिटी हॉस्पिटल में इलाज के सामान की खिल्लत देखी गई। देखा गया कि मरीज के अटेंडर्स खुद अपनी सलाइन की बोतल पकड़कर खड़े हैं। कल सनत नगर में 6 ऑक्सीजन कंटेनर्स की एक्सप्रेस पहुंची। कल बंजारा हिल्स इलाके में एक मासूम 14 साल की बच्ची का एक 25 साल ड्राइवर ने रेप कर दिया। कल उल्छटी इलाके में जो नौजवान के दरमियान हुई लड़ाई में एक नौजवान जो सीरियस हालत में दवाखाने में शरीक था, इलाज के दौरान उसका इंतकाल हो गया। रचकुंडा पुलिस ने 12 मई से 8 जून के दरमियान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और कोरोना की एहतियात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 92,500 केसेस दर्ज किए हैं और करीब 22,000 गाड़ियां जब्त कर ली गई। अफजलगंज में एक 30 साल आदमी की आरटीसी बस के सामने आने से टक्कर होकर मौत हो गई। चंद्रायन गुट्टा पीएस लिमिट में कल एक 21 साल नौजवान की खुदकुशी का वाकया पेश आया है। मरहूम की शादी चंद महीने पहले ही हुई थी। तेलंगाना सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन के बाहर हुआ यह हंगामा। ईजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है एक खुशखबरी। कारोबार छोटा हो या बड़ा, अगर आप एक सप्लायर है और चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स भी बड़े शॉपिंग मॉल्स में बिके, तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट्स को हैदराबाद के सबसे बड़े ईजी एक्सप्रेस 99 स्टोर्स में बेचने का मौका पाए। अच्छी आमदनी और अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद अफराद ईजी एक्सप्रेस के 4 बड़े स्टोर से जुड़ सकते हैं। भले ही आप कोई भी चीज़ बनाते हो या उसे सप्लाई करते हो, मसलन चप्पल, जूता, खिलौने, होम अप्लाइंसेस या हो कोई भी प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर्स पर बेच सकते हैं। राबते के लिए तशरीफ़ लाए हमारे कोई भी ईजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पर, जो टोली चौकी पोडियम मॉल, बेगम बाज़ार, बिग बाज़ार एबिट्स एमपीए मॉल या चारमीनार ब्रांच पर। याद रहे, सभी ब्रांचेस खुले हैं और आप इन 4 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच पर तशरीफ ला सकते हैं। जल्दी कीजिए। ऐसे ही और अहम खबरों के लिए हमारे चैनल E99 TV Express को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।